लाइफ ऑन द अर्थ, जमीन पर जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 3 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 अपनी पहचान लाइफ ऑन अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। मस्कन, हैबिटेट, जंगल में रहने वाले जानवर, एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। जंगल में आपको बहुत से दरख्त, सब्ज पत्ते और बड़े बड़े तनों वाले दरख्त नजर आएंगे। यहाँ पर नदी और दरिया भी मौजूद होते हैं। सर्दियों में बारिश होती है तो मौसम सर्द हो जाता है, और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और सब कुछ खुश्क हो जाता है। यहाँ पर बहुत से जानवर दरख्तों पर इन्हिसार करते हैं। इनमें से कुछ सब्ज पत्ते खाते हैं और कुछ इनमें अपने घर भी बनाते हैं, जैसा कि हिरन, खरगोश, परिंदे और कुछ इनका शिकार भी करने वाले जानवर मौजूद होते हैं, यानी शेर, चीता, भेड़िया वगैरह। हैबिटेट क्या है, आइए इस पर एक वीडियो देखते हैं। एनिमल फॉरेस्ट, क्या आप कभी जंगल में गए हैं? जंगल आमतौर पर पौधों और घास से भरे होते हैं। इनमें बहुत से दरख्त और मशरूम होते हैं और अक्सर नदी और दरिया भी पाए जाते हैं। जंगल बहुत सारे जानवरों का घर होता है। गुलहरी जंगल के सबसे छोटे जानवरों में से एक है। ये फूल से भी छोटी हो सकती है। आप इसको जमीन पर खाने की तलाश में या कुछ खाते हुए देख सकते हैं, या आप इनको दरख्तों की शाखों में दूसरे जानवरों से छिपते हुए भी देख सकते हैं। रैकॉन भी एक जानवर है जो कि जंगल में रहता है। ये ऐसे लगते हैं जैसे इन्होंने टोपी पहनी हो और आंखों पर नकाब पहना हो, और उनके दुम पर काले रंग के गोल गोल छल्ले बने हुए होते हैं। इसके पंजे बिल्कुल हाथों की तरह होते हैं और ये चीजों को उठाने में मदद करते हैं। जंगल में बहुत सी इकसाम के परिंदे होते हैं। वो सब मुख्तलिफ कद के और मुख्तलिफ अशकाल के होते हैं। क्या आपने परिंदों को गाते हुए सुना है? अगर आप सुन सकते हैं तो आप सीटी बजाना सीख सकते हैं। उल्लू एक खास किस्म का परिंदा है कि जो कि जंगल में रहता है। ये आमतौर पर दिन में सोता और रात में जागता है। इसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें होती हैं जो कि इसको रात के अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। आप इसके शोर करने की आवाज रात में सुन सकते हैं। मछली ऐसा जानवर है जो कि पानी में रहती है। अगर जंगल में नदी या दरिया हो तो आप मछलियों को तैरता हुआ देख सकते हैं। ये खास किस्म का जानवर है क्योंकि ये पानी के अंदर सांस ले सकती है। इसके साथ ही आपको मेंढक भी नजर आएंगे। ये ऐसे जानवर हैं जो कि आमतौर पर पानी के करीब रहते हैं। ये हैं जंगल में रहने वाले कुछ और जानवर। ये बड़े जानवर हैं। खरगोश छोटा जानवर है। खरगोश को आप अपने सहन में भी देख सकते हैं। इनके लंबे कान होते हैं जो कि सुनने की अच्छी सलाहियत रखते हैं। स्किंक एक अमेरिकन गोश्तखोर जानवर के लंबे काले और सफेद रंग के बाल होते हैं। इनकी लंबी रुई की जैसी दुम होती है। जब ये खतरा महसूस करते हैं तो एक बदबू खारिज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और ये कुछ जानवर हैं जो आपको जंगल में मिलेंगे। आपको इनमें से कौन सा जानवर पसंद है? एनिमल जंगल मूवी। जंगल क्या होता है? जंगल एक ट्रॉपिकल एरिया होता है जो बड़ी तादाद में पौधे और दरख्त और जानवर की वजह से गर्म होता है। जंगल में बाजुका तालाब और दरिया भी पाए जाते हैं, जहां पानी के करीब या पानी में मछलियां, कीड़े मकोड़े और दूसरे जानवर रहते हैं। आपको किस किस्म के जानवर जंगल में मिल सकते हैं? एक जानवर आपने शायद जंगल में देखा होता और वो है बंदर। बंदरों की बहुत सी इकसाम होती हैं। बंदरों के आमतौर पर लंबे बाजू होते हैं और वो दरख्तों पर चढ़ते और उनके इर्द गिर्द फिरते हुए नजर आते हैं, और उनकी दुम भी लंबी होती है। एक और जानवर जो कि जंगल में देखने को मिलता है वो है शेर। शेर एक बड़ी बिल्ली के माने दिखता है और उसकी गर्दन के गिर्द लंबे बाल होते हैं। मादा शेर और शेर के बच्चे कब्स कहलाते हैं। उनके गर्दन के गिर्द बाल नहीं होते, तब ही ये बड़ी बिल्लियां लगते हैं। मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो कि लंबा जिस्म रखता है और इसकी लंबी सी दुम होती है। मगरमच्छ का बड़ा सा मुंह होता है जिसमें बहुत सारे दांत होते हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त पानी में तैरता हुआ गुजारता है। मछलियां और दूसरे जानवरों को खाते हुए ये जमीन पर भी रहता है। गोरिल्ला बड़े काले और बालों वाले और लंबे मजबूत बाजुओं वाले होते हैं। ये बहुत बड़े बंदरों की तरह दिखते हैं, मगर बंदर नहीं होते। ये बिना दुम वाले बड़े बंदर होते हैं। बिना दुम वाले बंदर बहुत ही चालाक जानवर होते हैं। गोरिल्ला दिखने में शरीफ जानवर होते हैं और ये बहुत सारे पत्ते और पौधे खाते हैं।
اس وقت دنیا میں گوریلا زیادہ نہیں بچے، جو کہ دکھ زدہ بات ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جنگل اور درخت کاٹتے جا رہے ہیں جہاں گوریلا رہتے تھے، اور کچھ لوگ گوریلا کو مار دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ گوریلا کو بچا رہے ہیں تاکہ ان کو نہ مارا جا سکے، اور جنگلوں اور درختوں کو بچا رہے ہیں تاکہ گوریلا اپنی جگہ پر رہ سکے۔ گوریلوں کو بہت ہی مدد کی ضرورت ہے۔ سانپ بھی جنگل میں رہتے ہیں اور یہ بھی خطرناک اور لمبے ہوتے ہیں، اور ان کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے۔ آپ کو جنگل میں رنگ برنگے مینڈک، تتلیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے اور مختلف قسم کے پرندے ملیں گے۔ جنگل بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ بہت سے جانوروں اور پرندوں کا گھر ہے۔ دنیا میں اب بہت ہی کم جنگل رہ چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب جانوروں کے پاس رہنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے، کیونکہ جنگل اور خاص طور پر نباتاتی جنگل، جو کہ بہت سے جانوروں اور پودوں کا گھر ہے، یہ ہماری زمین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اینیمل لیونگ ان دا فارسٹ یعنی جنگل میں رہنے والے جانور کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر چکے ہوں گے۔ آئیے ٹیکسٹ بک سے مطالعہ کرتے ہیں۔ جنگل میں رہنے والے جاندار۔ جس طرح انسان دیہاتوں اور شہروں میں رہتے ہیں، اسی طرح جانور اپنی فطرت کے مطابق جنگل، صحرا یا پانی میں رہتے ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے ایسے علاقے جہاں درخت اور پودے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، جنگلات کہلاتے ہیں۔ جنگل میں رہنے والے جانور ہرن، زیبرا، خرگوش، شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ ہیں۔ ہرن، زیبرا اور خرگوش گھاس پھوس، پودے اور درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ شیر، چیتا اور بھیڑیا دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب ہم اسی ٹاپک سے متعلق ایجوکیشنل گیم یا سیمولیشن دیکھتے ہیں۔ ایکٹیویٹی، ہاؤ ٹو پلے۔ اسکرین پر آپ کو مختلف قسم کے پلانٹس اور اینیملز دکھائی دے رہے ہوں گے، جو کہ گرین ٹائلز کی صورت میں اسکرین پر موجود ہوں گی۔ ہر راؤنڈ کے سٹارٹ میں آپ سے ایک کیٹیگری کا سوال پوچھا جائے گا۔ آپ کو ہر ٹائلز میں سے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہوگا، اور ان میں سے بہت سے صحیح جواب ہوں گے یا صرف شاید ایک صحیح جواب ہوگا۔ جب آپ ٹائلز کو سلیکٹ کریں گے تو گرین ٹائلز وائٹ ہو جائیں گی۔ جواب منتخب کرنے کے بعد آپ کو گو کا بٹن پریس کرنا ہوگا۔ آپ کو اس راؤنڈ کا سکور شو ہوگا اور آپ نیکسٹ راؤنڈ میں موو کر پائیں گے۔ برڈز، things with webbed feet. Things that have tail. Animals.
that have poison? Things that eat fish. Mammals. उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको सबक को समझने में काफी मदद मिली होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के बाकी तमाम टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।